दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 4:45 और हम पी रहे हैं अपने घर पे ये लास्ट चाय, मतलब वापस पियेंगे बट अभी स्कूबा डाइविंग के बाद। तो अभी लास्ट चाय मैं पी रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ और ये नगेट्स हैं साथ में और चाय पी के अभी हमने निकलना है और 5 बजे हम निकलेंगे यहाँ से और शाम 7 बजे की हमारी बस है, तो मिलते हैं बाद में। तो भाई लोग हम निकल चुके हैं अभी अपने घर से, अब हमें जाना है अपनी बस पकड़ने के लिए। तो 7 बजे की बस है हमारी, तो हम निकल चुके हैं। बस थोड़ी दूर जाके बस स्टैंड है जहाँ पे हमें बस मिलेगी। तो भाइयों ये रही हमारी बीआर ट्रेवल्स की बस जिसमें हम जोधपुर से अहमदाबाद तक का सफ़र तय करेंगे और आगे हमारी अहमदाबाद से है फ्लाइट पहले मुंबई तक, उसके बाद जाएंगे हम गोवा। तो मिलते हैं आगे बस में बैठ के, देखते हैं कैसा रहा हमारा सफ़र। तो भाई हम आ चुके हैं बस के अंदर और आते ही हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई है कि हमने जो अपनी सीट बुक की थी और वो गलती से हमने स्लीपर की बजाय सीट बुक कर दी थी। अब सीट पे बैठ के जाना तो इम्पॉसिबल है, तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर आते ही हमें कंडक्टर को 500 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ा, फिर जाके हमें स्लीपर मिला है और वो भी सबसे लास्ट वाला। तो आगे की जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है दोस्तों, हम बैठे हैं बस में और अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद। तो बस अभी रुकी है और अभी हम आ चुके हैं JENTS जेंट्स टॉयलेट और LEDIES लेडीज टॉयलेट में। तो अब कोई ये मत पूछना कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ। तो भाइयों सुबह के बज चुके हैं अभी 4:45 और हम उतर गए हैं अहमदाबाद में। अब बस वाले ने भाई बोला था 5:30 बजे पहुँचाऊँगा, हम तो उसी हिसाब से आए थे, अलार्म लगा के सो रहे थे, बट अचानक से एक आवाज़ आई कि सर अहमदाबाद एयरपोर्ट वाले आ जाओ। तो अभी हम आ चुके हैं अहमदाबाद और अभी हम सबसे पहले पियेंगे सुबह सुबह एक चाय। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये एक चीज़ है जो मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाके सबसे अच्छी लगी और सच में सुबह सुबह ये देख के मेरा दिल एकदम खुश हो गया, हमारे देश का तिरंगा जो सामने लगा हुआ था। तो अभी हम जा रहे हैं अपने चेकिंग की तरफ और ये देखिए मेरे राइट साइड पर क्या ज़बरदस्त, एकदम सच में लग रहा है कि सामने जानवर बैठे हुए हैं क्या। तो दोस्तों अभी हमारा चेक इन हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ। ये है हमारे नरसा और ये रहे विंड डीजल जो आगे हमारे साथ स्कूबा डाइविंग के साथ रहेंगे। तो भाई हमारी जर्नी हो चुकी है शुरू, जोधपुर में बहुत ठंड थी और अहमदाबाद में है गर्मी, तो मैंने अभी अपनी अपर उतार दी है और सिर्फ है हम एक टी शर्ट में। बोर्डिंग हो चुकी है शुरू और सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपनी फेस शील्ड और पीपी किट लेने के लिए, क्योंकि हमारी ये मिडल वाली सीट, तो मिडल सीट वाले को फेस शील्ड के साथ साथ पीपी किट भी पहननी पड़ेगी। क्या किस्मत लेकर आए हम। तो भाइयों ये मैं आपको डेमो के लिए अपने विंड डीजल दिखा रहा हूँ, ऐसे करके ये पहनी है। सर विजिबिलिटी कैसी है इसमें? पोअर विजिबिलिटी है, सो ही कांट फ्लाई विद पोअर विजिबिलिटी। तो अभी हमारा देखते हैं कैसे होता है, पीपी किट पहन के शायद हो सकता है कुछ काम बन जाए अपना। हाँ तो अब हम कर रहे हैं सबसे मुश्किल काम, यानी कि अपनी सीट ढूंढ रहे हैं और सामने देखिए एयर होस्टेस विराजमान है जो बिल्कुल पीपी किट पहन के ग्लव्स पहन के सामने सेवा दे रही हैं। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल ये लोग भी। तो अभी हम ढूंढे और ये मिल गई हमारी सीट 25B यानी कि मिडल सीट। तो भाई अब मैं दिखाने जा रहा हूँ जिन लोगों ने जहाज का टॉयलेट नहीं देखा ना उनको टॉयलेट दिखा रहा हूँ। ये देखो सामने ये छोटा सा वॉश बेसिन है और इस तरफ रहा ये कमोड और सामने नीचे बटन एक प्रेस करने वाला और ये रहा डोर और ये लॉक। तो फाइनली हम लैंड कर चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पे और नेक्स्ट फ्लाइट हमारी है 2 घंटे बाद की, तो हमें 2 घंटे अभी यहीं एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा। तब तक मैंने सुना है एयरपोर्ट बहुत बड़ा है मुंबई वाला, चलो एयरपोर्ट दर्शन कर लेंगे बट मैं वो आपको दिखाऊंगा नहीं।
तो दोस्तों अब हमारी फ्लाइट है मुंबई से गोवा के लिए और हम जा रहे हैं। पीपी किट और फेस शील्ड फिर से मिल गया हमें दोबारा, अब ये पहनना है हमें, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं फ्लाइट में। लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो हमने ऑर्डर कर दिए कप नूडल मैंचो। तो मैं बताऊं दोस्तों कि ये 200 रुपए का है, और जब भी कभी आप भी फ़्लाइट में जाओ, जब हम 4-5 हज़ार रुपये की फ़्लाइट की टिकट कर रहे हैं, तो एक बार हवा में 200 रुपए खर्च करके हवा में खाने का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोवा एयरपोर्ट के बाहर, और जैसा कि हम पहन के आए थे सर्दियों के कपड़े, और यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा गर्मी, तो हमारे दोस्त जो ये नरपत साहब हैं, ये तो पहन के आए थे टी शर्ट, इनका तो काम चल रहा है, बट मैं पहन के आया हूँ यहाँ पे स्वेटर टाइप, नहीं ये स्वेट शर्ट पहन के आया हूँ, और मेरी हालत हो रही है ख़राब। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का, उसके बाद हम अपना ड्रेस चेंज कर लेंगे। तो फाइनली हमारी टैक्सी आ चुकी है और हम जा रहे हैं अब गोवा से तारकरली सिंधुदुर्ग, और वहाँ पे हम रुकेंगे MTDC में। तो नेक्स्ट हमारा 4-5 दिनों के लिए हम वहीं रुक के करेंगे स्कूबा डाइविंग। तो आगे की वीडियो में आपको दिखाते हैं दोस्तों कि क्या और कैसे होने वाला है। वीडियो बनाते हैं अपन, तो भाई लोग अगले व्लॉग में हम मिलते हैं और बताएंगे आपको कि क्या क्या हुआ स्कूबा डाइविंग और कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। ये है हमारे श्याम सर, थैंक यू। ये है नाम बोल रहा हूँ, अच्छा ली।